भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने समीक्षा करने जबलपुर के रानीताल संभागीय भाजपा कार्यालय में बैठक का आयोजन किया। 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के जबलपुर कार्यक्रम को लेकर यह समीक्षा बैठक की गई। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने को लेकर तैयारियां जोरों से की जा रही हैं, जिसको लेकर भाजपा संभागीय टीम और भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें शामिल होने प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा पहुंचे। वहीं पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कमलनाथ के भ्रष्टाचार के बयान पर पलटवार किया, जहां कमलनाथ सिर्फ ट्विटर पर ही चल सकते हैं, जमीन पर नहीं। महात्मा गांधी की सोच और सपने को साकार करने का काम किसी ने किया है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। महात्मा गांधी की जयंती पर हमने स्वच्छता अभियान चलाया। महात्मा गांधी की स्वदेशी सोच को हम जमीन पर लेकर आए। जिंदगी भर गांधी जी के नाम का दुरुपयोग करने वाले कांग्रेसी गांधी जी के विचारों से विमुख हो गए हैं। लोकल का स्वर अभियान के तहत 2 अक्टूबर को कार्यक्रम किया जा रहा है। वहीं कमलनाथ पर तंज कसते हुए बीडी शर्मा ने कहा, कमलनाथ सरकार में वल्लभ भवन भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था। सनातन धर्म का अपमान करना राहुल गांधी के मूल में है। भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा में 25 लाख नए कार्यकर्ता जुड़े। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने जमकर कमलनाथ और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी और उनका परिवार दोहरा चरित्र अपनाता है। राहुल अपने परिवार की हिस्ट्री नहीं बता सकते। सनातन धर्म पर टिप्पणी करने वालों पर भी राहुल गांधी और उनका परिवार कुछ नहीं कह सकते। इनके मूल में ही हिंदुत्व और सनातन का विरोध करना है। वहीं उन्होंने कहा कि राहुल गांधी दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा है। राहुल गांधी ने हिंदुत्व पर लेख लिखा है। सबसे पहले राहुल गांधी यह बताएं कि वह देश में क्या है। वहीं स्वच्छता अभियान पर कमलनाथ के ट्वीट पर बीडी शर्मा ने बयान दिया है कि कमलनाथ की पूरी जिंदगी ट्विटर पर ही निकल गई है। स्वच्छता को आज पूरे देश ने संकल्प बना लिया। कमलनाथ और कांग्रेस ही पूरे जीवन भर गांधी जी के नाम का दुरुपयोग करते रहे। उनकी विचारधारा से कांग्रेस विमुख हो चुकी है और वहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा महात्मा गांधी की विचारधारा को साकार किया जा रहा है, जिसका उदाहरण स्वच्छता अभियान है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। 2 महीने बाद जनता चलाएगी बीजेपी। उनकी जिंदगी ही ट्विटर में निकल गई। ट्विटर पर ही चल सकते हैं, जमीन पर तो चल नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गांधी जी के उन विचारों को जमीन पर उतारने का काम, चाहे स्वच्छता का अभियान होगा जो गांधी जी ने इस देश को इतना बड़ा विचार उस समय दिया था कि भारत को स्वच्छ बनाना है, या फिर गांधी जी स्वदेशी और लोकल प्रोडक्ट को लेकर के जो आह्वान गांधी जी ने देश के अंदर लिया था, इन दोनों बातों को जमीन पर उतारने का काम किसी ने किया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और लोगों के मन का इसे संकल्प बना दिया कि आज भारत, जिसे लोग गंदा भारत के नाम से जानने का प्रयास करते थे, आज हमें गर्व है कि प्रधानमंत्री जी के प्रयासों के कारण आज भारत स्वच्छ बन रहा है और आज पूरा देश 140 करोड़ जनता, भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों करोड़ कार्यकर्ता 1 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता ही सेवा ये संकल्प के साथ मैदान में उतरे तो 140 करोड़ जनता मैदान में उतरी और कमलनाथ जी ट्विटर पर खेल रहे हैं केवल बस। या जो कांग्रेसी गांधी जी का नाम का दुरुपयोग जिंदगी भर करते रहे वो गांधी जी के विचारों से विमुख हो गए तो केवल वो यही कह सकते हैं, इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। लेकिन हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, कोने कोने में स्वच्छता के अभियान के साथ, और कल आने वाला 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती पर वोकल फॉर लोकल का आह्वान कार्यकर्ता महाकुंभ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था। कल खादी ग्राम उद्योग की दुकानों पर जाकर कुछ न कुछ खादी का प्रोडक्ट खरीद करके उसे प्रमोशन देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी का भी एक एक कार्यकर्ता करेगा। तो हम माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अपने काम में लगे हैं, वो आलोचना में लगे। किसके राज में भ्रष्टाचार है तो जनता जानती है, गुड गवर्नेंस किसने दिया है ये जनता जानती है। आपके प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे कि 1 रुपए में से 85 पैसे दलाल और बिचौलिए खा जाते हैं, भ्रष्टाचार में चला जाता है, 15 पैसे गरीब तक पहुंचता है। ये कांग्रेस के उनके परम पूज्य पिताजी जो इस भारत के प्रधानमंत्री थे
उन्होंने कहा था ऑन रिकॉर्ड ऑफिशियल, लेकिन हमें गर्व होता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो आज दलाल और बिचौलिए की व्यवस्था समाप्त करके अगर एक रुपया गरीब के खाते में जाता है तो एक ही गरीब के खाते में पहुंचता है। ये गुड गवर्नेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। भ्रष्टाचार कहां था और आज क्या है ये देश की जनता जानती है। मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी की सरकार थी जो झूठ बोल करके बनी थी, उस समय ये मध्य प्रदेश के अंदर वल्लभ भवन दलाली का अड्डा बना था और उस दलाली के अड्डे में 281 करोड़ रुपए कमलनाथ जी के पीए मिगलानी और कक्कड़ के यहां पकड़ा गया था, जो इन्हीं की सरकार में इनके मंत्री आरोप लगा रहे थे भ्रष्टाचार का, और वो ऑन रिकॉर्ड पकड़ा गया। तो भ्रष्टाचार कहां हुआ था और कहां होता है ये ऑन रिकॉर्ड मीडिया भी जानता है, मध्य प्रदेश की जनता भी जानती है। इसलिए वो केवल झूठ और छल कपट की राजनीति कर सकते हैं। आज विकास और गरीब कल्याण ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में या हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो किया है, यही हमारी ताकत है और यही जन समर्थन आज भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश के चुनाव में आम जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। राहुल गांधी